मैं रणवीर सिंह यादव भौतिक विज्ञान प्रवक्ता डीएवी इंटर कॉलेज बोरई। आज कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, आज का भौतिक विज्ञान का पढ़ाया जाने वाला शीर्षक है संधारित्र तथा परावैद्युत, कैपेसिटर एंड डाइइलेक्ट्रिक। इस चैप्टर के शीर्षक को पढ़ाने के पहले आपको समझना होगा चालक तथा विद्युत रोधी अथवा परावैद्युत पदार्थ। सबसे पहले चालक, चालक वे पदार्थ हैं जिनमें वैद्युत क्षेत्र लगाने पर आवेश वाहक गति करने लगते हैं या जिनमें पर्याप्त मात्रा में आवेश वाहक के रूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होते हैं, ऐसे पदार्थों को चालक पदार्थ कहते हैं। और चालक पदार्थों में आप सबको पता है जितनी भी हमारी धातुएं हैं वो चालक की भांति व्यवहार करती हैं, जैसे कि तांबा, चांदी, सोना, लोहा, ये सब चालक पदार्थ कहलाते हैं। अब बात यहां ये आती है कि चालक पदार्थों में पर्याप्त मात्रा में आवेश वाहक के रूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है? आपको सबको पता है प्रत्येक पदार्थ अणुओं परमाणुओं से मिलकर बना है। प्रत्येक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन व उसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनों को संयोगी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो हमारे चालक पदार्थ होते हैं इनकी बाहरी कक्षा में परिक्रमा करते हुए इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक के द्वारा लगने वाला विद्युत बल बहुत कम, लगभग नगण्य या क्षीण होता है, जिससे कि कमरे के ताप पर सामान्य ताप पर वो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं तथा यहां वहां आवेश वाहक के रूप में अनियमित रूप से गति करने लगते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उस परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, वो धन आवेश उसी धातु में बद्ध हो जाता है और अपने स्थान पर निश्चित आयाम की कंपन करता है। तो कुल मिलाकर के यहां पर दो बातें हुई, एक तो हुआ मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसमें आवेश वाहक के रूप में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दूसरा हुआ धन आवेश वाले परमाणु जो उस पदार्थ में बद्ध आवेश के रूप में रहते हैं। दूसरा है यहां पर विद्युत रोधी अथवा परावैद्युत पदार्थ। विद्युत रोधी या परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनमें आवेश वाहक के रूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होते, जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता, ऐसे पदार्थों को हम विद्युत रोधी या अचालक पदार्थ कहते हैं। और इसमें सामान्यतः जो पदार्थ आते हैं लकड़ी, रबर और आपका कांच, अभ्रक, ये सब पदार्थ विद्युत रोधी या अचालक पदार्थ कहलाते हैं। जो हमारे यहां पर चैप्टर में है परावैद्युत, बात अब आती है कि परावैद्युत क्या है। वास्तव में परावैद्युत विद्युत रोधी या अचालक पदार्थ ही होते हैं। दोनों में फर्क यह है कि विद्युत रोधी पदार्थों में कोई वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं होता, यानी ये विद्युत के प्रभाव को नहीं त्यक्त करते, जबकि जो परावैद्युत पदार्थ हैं ये विद्युत के प्रभाव को भी प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं। जो हमारे परावैद्युत पदार्थ हैं इन परावैद्युत पदार्थों को यदि इलेक्ट्रिकल फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो ये पदार्थ के अणु या परमाणु ध्रुवित हो जाते हैं, और ध्रुवित होकर के उस अणु या परमाणु का धन आवेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा ऋण आवेश वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में खिसक जाता है। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे कह सकते हैं कि मान लो हमारी इन दोनों प्लेटों के बीच एक समान वैद्युत क्षेत्र E0 है और इस प्लेट पर है प्लस आवेश और दूसरी प्लेट पर है माइनस आवेश। तो ये हो गई धन आवेश की प्लेट, ये है ऋण आवेश की प्लेट, और इन दोनों प्लेटों के बीच में एक समान वैद्युत क्षेत्र E0 है। यदि इसके बीच में किसी हमने परावैद्युत पदार्थ को रख दिया तो जैसे ही परावैद्युत पदार्थ को रखते हैं
तो इन पदार्थ के धन व ऋण आवेशों पर इस वैद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत बल कार्य करता है, जिससे कि धन आवेश इलेक्ट्रिकल फील्ड की दिशा में खिसक जाता है तथा ऋण आवेश इलेक्ट्रिकल फील्ड के विपरीत दिशा में खिसक जाता है, और इस प्रकार से ऋण आवेश एक सिरे की ओर तथा धन आवेश दूसरे सिरे की ओर इकट्ठे हो जाते हैं। जब यहाँ पर इस प्रकार से अणु या परमाणुओं में धन व ऋण आवेश अलग अलग इकट्ठे हो जाते हैं तो ये अणु या परमाणु ध्रुवित हो जाते हैं और इनके कारण इसके बीच में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस क्रिया को ध्रुवण क्रिया पोलराइजेशन कहते हैं। बात अब ये आती है कि जो हमारे परावर्तित पदार्थ हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक और दूसरा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक वो पदार्थ हैं जिनमें सामान्य अवस्था में उनके धन व ऋण आयन के द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे से पृथक कारी होते हैं और उनके बीच में सामान्य अवस्था में भी वैद्युत आघूर्ण होता है। ऐसे पदार्थों को पोलर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर HCl का अणु, जल का अणु, NaCl का अणु, ये सब पोलर डाइलेक्ट्रिक कहलाते हैं। दूसरे प्रकार के डाइलेक्ट्रिक कहलाते हैं, उन्हें कहते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक वो डाइलेक्ट्रिक होते हैं जिनके परमाणुओं या अणुओं के धन व ऋण आवेश के द्रव्यमान केंद्र एक ही पॉइंट पर संपाती होते हैं, एक ही पॉइंट पर केंद्रित होते हैं। और जब वो एक ही पॉइंट पर संपाती होंगे तो इनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होगा। ऐसे पदार्थों को कहते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। और इसमें एग्जाम्पल के तौर पर है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कहलाते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर यह हुआ कि जो हमारे डाइलेक्ट्रिक पदार्थ हैं वास्तव में ये विद्युत रोधी ही पदार्थ हैं। बस फर्क केवल ये है कि विद्युत रोधी पदार्थ में कोई वैद्युत प्रभाव नहीं दर्शाते जबकि परावर्तित पदार्थ वैद्युत प्रभाव को दर्शाते हैं। दोनों में ही आवेश वाहक के रूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। और जो हमारे परावर्तित पदार्थ हैं वो दो प्रकार के हो गए, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक और दूसरा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। बच्चों अभी आपने पढ़ा चालक, अचालक एवं परावैद्युत। अगला है इस चैप्टर में वैद्युत धारिता। धारिता एक सामान्य शब्द है, इसको आप लोग पहले भी सुन चुके हैं। हम लोग कहते हैं कि इस बर्तन की धारिता एक लीटर है। इसका सीधा आशय हुआ कि उस बर्तन में उस लिक्विड को एक लीटर से ज्यादा नहीं भरा जा सकता, एक लीटर से कम भरा जा सकता है, लेकिन अगर एक लीटर से ज्यादा लिक्विड उस बर्तन में भरेंगे तो वो लिक्विड को बाहर विसर्जित करने लगेगा, लिक्विड को वो बर्तन ग्रहण नहीं करेगा। इसका मतलब कि उस बर्तन में अधिकतम एक लीटर के बराबर लिक्विड को ग्रहण करने की क्षमता है, तो वो उस बर्तन की धारिता हो गई। उसी प्रकार से जितने भी हमारे विद्युत की चालक होते हैं, इन विद्युत की चालकों को यदि हम आवेशित करें तो उनमें भी आवेश ग्रहण करने की एक निश्चित क्षमता होती है। उससे ज्यादा आवेश को वो ग्रहण नहीं कर सकते, उस अधिकतम आवेश ग्रहण करने की क्षमता को उन चालकों की वैद्युत धारिता कहते हैं। अगर उससे ज्यादा हम आवेश देंगे तो वो आवेश को विसर्जित करने लगेंगे, आवेश को ग्रहण नहीं करेंगे, आवेश लीकेज होने लगेगा वायुमंडल में, चारों तरफ के वातावरण में आवेश को विसर्जित करने लगते हैं, तो उस अधिकतम आवेश ग्रहण करने की क्षमता को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। इसके पहले बच्चे आप पढ़ चुके, आपने विद्युत विभव के चैप्टर में पढ़ा कि यदि हम किसी चालक को क्यू कूलाम तक आवेश करें और चालक की त्रिज्या आर हो तो उस चालक के पृष्ठ पर विभव का मान V=1/4πε0Q/R के तुल्य होती है। ये विद्युत विभव के चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं। इस फॉर्मूले से क्लियर है कि जैसे जैसे किसी चालक के आवेश का मान बढ़ता है वैसे वैसे उस चालक के विभव का मान बढ़ता है। ये बात प्रमाणित करती है कि किसी चालक को दिए गए आवेश का मान उस चालक में हुए विभव वृद्धि के अनुपातिक होता है, अर्थात Q प्रोपोर्शनल V।
अगर हम यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल की कांस्टेंट लगाएंगे, ये हो गया q इक्वल टू c इनटू v या c इक्वल टू q अपॉन v। यहाँ पर c एक नियतांक है जिसे उस चालक की बैकडोर धारिता कहते हैं। इस फॉर्मूले के अनुसार हम धारिता को डिफाइन कर सकते हैं, इसको परिभाषित कर सकते हैं किसी चालक को दिए गए आवेश एवं विभव वृद्धि के अनुपात को उस चालक की बैकडोर धारिता कहते हैं। धारिता का मान उस चालक के आधार पर व उस चालक के चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करता है। अगर हम यहाँ पर धारिता का इवेंट निकालें, इसका मात्रक निकालें, तो इसका मात्रक निकालने में यह है हमारा आवेश, आवेश का मात्रक हो गया गुलाम और यह हो गया विभव का मात्रक बोर्ड, तो इसका मात्रक हो गया गुलाम प्रति बोर्ड। और आपको पता है बोल्ट गुलाम पर कूल को बोल्ट कहते हैं, बोल्ट विभव की परिभाषा के अनुसार, तो ये आपका हो जाएगा गुलाम और ये हो गया जूल और ये यहाँ पर हो गया जूल पर गुलाम, तो ये हो गया गुलाम स्क्वायर प्रति जूल, तो ये हो गया धारिता का मात्रक गुलाम स्क्वायर प्रति जूल और इसी को फैराडे कहते हैं। तो ये फैराडे वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर यह मात्रक बना दिया गया, इस धारिता का मात्रक हो गया फैराडे और इसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। ये हो गया धारिता का मात्रक, ये धारिता का ऐसा ही मात्रक है, ये एक बड़ा मात्रक है। सामान्यतः जो हम यूज करते हैं वो धारिता के छोटे मात्रकों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि छोटे मात्रकों में है माइक्रोफेरेड, एक माइक्रोफेरेड का मान सदैव एक माइक्रोफेरेड का मान 10 की घात ऋण 6 फेरेड के बराबर होता है। और भी इसके छोटे मात्रक जो इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण में यूज किए जाते हैं उसे कहते हैं पिकोफेरेड, और एक पिकोफेरेड का मान 10 की घात ऋण 12 फेरेड के बराबर होता है। तो ये हो गए धारिता के छोटे मात्रक। सामान्यतः धारिता का ऐसा ही मात्रक फैराडे हुआ, लेकिन जो हमारे उपकरणों में, जो हमारे विद्युत के उपकरणों में, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरणों में जो संधारित्र प्रयोग, जो धारिता प्रयोग की जाती है, उनके मात्रक प्रायः माइक्रोफेरेड या पिकोफेरेड के रूप में लिए जाते हैं। तो ये धारिता का मात्रक हो गया। अगर इसका हम विनियर सूत्र निकालें, देखिए यहां पर इसका विनियर सूत्र ये यहाँ पर है कूलाम, कूलाम के लिए कूलाम की विमा यहाँ पर होती है 80, इसका ये स्क्वायर हो गया अपॉन, ये यहाँ पर है जूल और जूल के लिए हो गया एम एल टू टी माइनस टू, तो इसका विनियर सूत्र हो गया आपका एम माइनस वन एल माइनस टू टी की पावर 4 ए की पावर 2, एम माइनस वन एल माइनस टू टी की पावर 4 ए की पावर 2, ये हो गया धारिता का विनियर सूत्र। अभी आपने पढ़ा किसी चालक की धारिता C इक्वल टू क्यू अपॉन बी और इसके अनुसार इसका ऐसा ही मात्रक फैराडे हो गया। इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम एक फैराडे को डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। इस फॉर्मूले के अनुसार किसी चालक को एक कूलाम आवेश देने पर यदि विभव वृद्धि 1 वोल्ट हो तो चालक की धारिता 1 फैराडे होगी। यानी इस के अनुसार हम इस के अनुसार 1 फैराडे को परिभाषित कर सकते हैं। 1 कूलाम आवेश देने पर, फिर ध्यान सुने, 1 कूलाम आवेश देने पर यदि चालक में विभव वृद्धि 1 वोल्ट हो तो उस चालक की धारिता 1 फैराडे होगी। अगला है आपका इस चैप्टर में पढ़ाया जाने वाला शीर्षक विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित का अर्थ है ऐसा कोई चालक जिसका पृथ्वी या अन्य किसी चालक से कोई संपर्क ना हो, कोई कांटेक्ट ना हो, ऐसे चालक को हम विलगित चालक कहते हैं। तो हमने मान लिया कि ये हमारे पास एक आर त्रिज्या का विलगित गोलीय चालक है जिसका केंद्र बिंदु ओ है।
यदि इस r त्रिज्या के विद्युत गोलीय चालक को प्लस q कूलाम का आवेश दिया गया तो दिया गया आवेश इस चालक के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होगा। ये आपको जानकारी है, किसी भी चालक को दिया गया आवेश सदैव उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होता है, और जब ये आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा तो ये चालक एक समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा, और जब ये समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा तो वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ के लंबवत होंगी। चूंकि ये धनावेशित पृष्ठ है तो यहां पर वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होंगी। ये हमारा एक समविभव पृष्ठ हो गया और यहां पर वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होंगी। और निश्चित है कि दिया गया आवेश तो चालक के पृष्ठ पर फैल गया, लेकिन इस आवेश को हम चालक के केंद्र बिंदु पर मान सकते हैं। अगर इस आवेश को केंद्र बिंदु पर माना जाए तो इस चालक के पृष्ठ पर किसी पॉइंट पर विभव का मान v इक्वल टू निर्वात या वायु में 1/4πε0 q/r के तुल्य होगा। ऐसा आप पिछले चैप्टरों में पढ़ चुके हैं। तो इस चालक के सरफेस पर विभव का मान निर्वात या वायु में 1/4πε0 q/r के तुल्य होगा। हमें इस विद्युत गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करनी है, और धारिता का फार्मूला भी आप पढ़ चुके हैं, C=q/v। तो इस फॉर्मूले के अनुसार इस विद्युत गोलीय चालक की धारिता C=q/v होगी। इस v की वैल्यू को यहां पर रखा, इसकी वैल्यू का मान q/ये हो गया q(4πε0r)। तो इसकी धारिता का मान आ गया C=4πε0r। इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम किसी विद्युत गोलीय चालक की धारिता के मान को ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये विद्युत गोलीय चालक निर्वात या वायु में है तब धारिता ये हो गई। अगर इसी गोलीय चालक को एक परावर्तक तंत्र के माध्यम में रखा जाए तो इसकी धारिता का मान अगर C- हो तो C- की वैल्यू का मान सिमिलरिटी से 4πε0 k×r के तुल्य होगा। एक और फार्मूला से क्लियर है, अगर हम C- में C से डिवाइड करें तो C' / C की वैल्यू का मान k होगा, अर्थात किसी माध्यम की धारिता व निर्वात की धारिता के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इसके अनुसार भी हम परावैद्युतांक को परिभाषित कर सकते हैं। दूसरा, एक फॉर्मूला से क्लियर है कि किसी भी चालक की धारिता विद्युत चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुपातमाती है, अर्थात C=r। ये बात प्रमाणित करती है कि जो चालक बड़े आकार के होंगे उनकी धारिता अधिक होगी, जो चालक छोटे आकार के होंगे उनकी धारिता कम होगी। यानी बड़े चालकों की धारिता अधिक व छोटे चालकों की धारिता का मान कम होता है। अगर हम यहां से इस फॉर्मूले से C=4πε0r से अगर हम ε0 की वैल्यू निकालें तो यहां से ε0 की वैल्यू C/4πr के तुल्य हो गई। अगर इस फॉर्मूले के अनुसार हम ε0 किसको निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, अगर इसका मात्रक निकाला जाए तो इसका मात्रक फैरड प्रति मीटर होगा। ये हो गया ε0 का मात्रक फैरड प्रति मीटर, जबकि आप इसके पहले पढ़ चुके हैं विद्युत में ε0 का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका अर्थ यह हो गया कि ε0 के दोनों मात्रक होंगे, इसके अनुसार इसका मात्रक फैरड प्रति मीटर स्क्वायर हो गया, फैरड प्रति मीटर हो गया, और दूसरा ε0 का मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अगला है आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा। यदि हम किसी चालक को आवेशित करते हैं तो निश्चित है चालक को आवेशित करने में हमें कार्य करना होगा। वो किया गया कार्य उस चालक में एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा कहते हैं। आप लोग इसके पहले पढ़ चुके, किसी चालक को दिया गया आवेश उसमें हुए विभव वृद्धि के अनुप्रमाणपाती होता है, अर्थात q=b। प्रारंभ में जब हम चालक को आवेशित करेंगे तो चालक के विभव का मान शून्य होगा, तो प्रारंभिक आवेश का प्रारंभिक भाग देने में कोई कार्य नहीं करना होगा। लेकिन जैसे ही चालक पर
आवेश संचित हो जाएगा तो उसके आगे अगला भाग आवेश का देने के लिए उस आवेश के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा और यह कार्य उस चालक में ऊर्जा के रूप में संचित होता जाएगा। जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ता जाएगा उसके विभव का मान भी बढ़ता जाएगा। यदि चालक को हम 0 से Q कूलम तक आवेशित करते हैं, मतलब जब आवेश का मान 0 है तो इसके विभव का मान भी 0 है, जब आवेश का मान 0 से बढ़कर क्यू हो गया तो इसके विभव का मान 0 से बढ़कर बी हो गया। तो इस चालक को क्रमशः 0 से Q कूलम तक आवेशित करने में औसत विभव वृद्धि का मान, औसत विभव वृद्धि का मान 0 प्लस V/2 अर्थात V/2 के तुल्य होगी। और आप लोग पढ़ चुके किसी चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य का मान आवेश व औसत विभव वृद्धि के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात किए गए कार्य का मान W = आवेश × औसत विभव वृद्धि। दोनों के मान लेंगे W = Q × V/2 = ½QV। यही किया गया कार्य उस चालक में एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा जिसे चालक की स्थितिज ऊर्जा कहेंगे, अर्थात इस चालक को आवेशित करने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा का पहला फार्मूला हो गया U = ½QV। अगर इस चालक की धारिता C है तो अभी आप पढ़ चुके हैं Q = C × V। अगर इस Q की वैल्यू को यहाँ पर रखें तो इसकी स्थितिज ऊर्जा का दूसरा फार्मूला हो गया ½CV2। इस फार्मूले का उपयोग करके भी हम आवेश चालक की स्थितिज ऊर्जा के मान को ज्ञात कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले के अनुसार V = Q/C। अगर हम V की वैल्यू का मान रखें तो यहां से इसका मान हो गया U = ½Q²/C। इन तीनों में से किसी भी फॉर्मूले का उपयोग करके किसी आवेश चालक की स्थितिज ऊर्जा के मान को ज्ञात किया जा सकता है। अगला है, दो आवेश चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण या उभयनिष्ठ विभव। ध्यान दें, माना कि हमारे पास कोई दो चालक हैं और इन दोनों चालकों की धारिताएं क्रमशः C1 व C2 हैं। इन दोनों चालकों को हमने क्रमशः Q1 व Q2 कूलाम तक आवेशित किया जिससे कि इन चालकों के विभव क्रमशः V1 व V2 हैं। तो निश्चित है अभी आप धारिता में पढ़ चुके हैं Q1 = C1V1 होगा, Q2 = C2V2 होगा। यदि इन दोनों आवेशित चालकों को एक दूसरे से कनेक्शन वायर यानी संयोजी तार द्वारा जोड़ दिया जाए तो निश्चित है अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर विभवांतर के कारण आवेश का स्थानांतरण होगा और आवेश का स्थानांतरण तब तक होगा जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। माना कि जोड़ने के पश्चात इन दोनों के कॉमन विभव या उभयनिष्ठ विभव का मान V हो जाता है। चूंकि आवेश का मान निश्चित है तो दोनों को जोड़ने के पश्चात कुल आवेश का मान Q1 + Q2 होगा और दोनों की मिलाकर कुल धारिता का मान C1 + C2 होगा। तो जोड़ने के पश्चात इनके कॉमन विभव यानी उभयनिष्ठ विभव का मान V = कुल आवेश बटे कुल धारिता यानी V = Q1 + Q2 / C1 + C2 होगा। अगर इन दोनों की वैल्यू रखें तो इसकी वैल्यू हो गई C1 V1 + C2 V2 / C1 + C2। इस फॉर्मूले का उपयोग करके आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात उभयनिष्ठ विभव या कॉमन विभव के मान को ज्ञात कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि जब आवेशों का पुनर्वितरण हो गया तो मान लिया कि पुनर्वितरण के पश्चात पहले चालक पर आवेश का मान Q1 हो गया और दूसरे पर आवेश का मान Q2 हो गया। तो इसी फॉर्मूले के अनुसार Q1 = C1 × V, क्योंकि कॉमन विभव का मान V है, दूसरे के आवेश का मान Q2 = C2 × V।
अगर हम इनके आवेशों का अनुपात निकालें तो हो जाएगा q1 डैश अपॉन q2 डैश इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका अर्थ ये हुआ कि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात इन चालकों पर आवेशों का अनुपात उनकी धारकाओं के अनुपात के बराबर होता है। जिसकी धारिता अधिक उस पर पुनर्वितरण के पश्चात आवेश अधिक होगा, जिसकी धारिता कम उस पर पुनर्वितरण के पश्चात आवेश का मान कम होगा। अब हम ये निकालना चाहते हैं कि इस पुनर्वितरण में कितने आवेश का ट्रांसफर हुआ। ध्यान दें, पहले चालक C1 जिसकी धारिता C1 है पर आवेश का मान Q1 था, बाद में इस पर आवेश का मान Q1 डैश हो गया, तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा यदि Q डैश मानी जाए तो Q डैश इक्वल टू Q1 माइनस Q1 डैश के तुल्य होगी। Q1 की वैल्यू का मान C1 V1 है और Q1 डैश की वैल्यू का मान C1 इंटू V के बराबर है। V की वैल्यू का मान अभी हम निकाल चुके, इसकी वैल्यू का मान रखा तो हो गया C1 V1 माइनस C1, V की वैल्यू का मान हो गया C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हो गया स्थानांतरित आवेश की मात्रा। इसको सॉल्व किया तो यहां पे ये आपका इसका एलसीएम लिया, ये 1 हो गया, तो यहां से इसका एलसीएम हो गया C1 प्लस C2। तो यहां पर ये आपका हो गया C1 स्क्वायर B1, ये आपका हो गया C1 C2 B1 मल्टीप्लाई किया, ये हो गया C1 स्क्वायर B1 प्लस ये हो गया यहां पर, ये हो गया C1 C2 B1, इससे इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस ये हो गया C1 स्क्वायर B1, ये हो गया माइनस C1 C2 B2। ये C1 स्क्वायर B1 से C1 स्क्वायर B1 कट गया, ये हो गया स्थानांतरित आवेश की मात्रा Q डैश इक्वल टू, दोनों में C1 C2 कॉमन ले लिया, ये हो गया C1 C2, ये आ गया B1 माइनस B2 अपॉन C1 प्लस C2। इस फॉर्मूले के द्वारा हम इन दोनों चालकों को जोड़ने के पश्चात स्थानांतरित आवेश की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। स्थानांतरित आवेश की मात्रा Q डैश इक्वल टू C1 C2 B1 माइनस B2 अपॉन C1 प्लस C2 के तुल्य होगी। अभी आपने पढ़ा आवेशों का पुनर्वितरण एवं उभयनिष्ठ प्रभाव। अगला है इस आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। निश्चित है कि जब दोनों चालकों को हम एक संयोजी तार के द्वारा जोड़ेंगे तो जब एक चालक से दूसरे चालक में आवेश का स्थानांतरण होगा तो निश्चित रूप से इस आवेश के स्थानांतरण में कार्य किया जाएगा उस कार्य के बराबर ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा। ऊष्मा या अन्य रूपों में ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। तो हमें निकालना यह है कि इस आवेशों के पुनर्वितरण में कितनी ऊर्जा का ह्रास होगा। ध्यान दें, इन दोनों चालकों की धारिता C1 C2, इनके आवेश Q1 Q2, विभव के मान V1 V2 है, जोड़ने के पश्चात कॉमन विभव का मान V है। अभी आप पढ़ चुके हैं किसी भी चालक की स्थिति ऊर्जा का मान U = ½ CV2। इसका अर्थ ये हुआ कि जोड़ने के पहले इस चालक की ऊर्जा ½ C1 B1 2, इस चालक की ऊर्जा ½ C2 B2 2। अर्थात इन दोनों चालकों को संयोजी तार से जोड़ने के पहले इनकी कुल ऊर्जा का मान U = ½ C1 B1 2 + ½ C2 B2 2 होगी। जब दोनों चालकों को संयोजी तार के द्वारा जोड़ दिया गया और कॉमन विभव का मान B है तो दोनों की कुल धारिता का मान C1 + C2, विभव का मान B है, तो जोड़ने के पश्चात इनकी स्थितिक ऊर्जा का मान U = ½ C1 + C2 × B2 होगा। इस आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास का मान ΔU = U - U′ दोनों का अंतर कर दिया, यहां पर ये हाफ दोनों में कॉमन कर लिया, ये हो गया आपका C1 B1 2 + C2 B2 2 -C1 + C2। और अभी आप पढ़ चुके हैं दो चालकों को जोड़ने के पश्चात उनके उभयनिष्ठ विभव का मान B = C1 B1 + C2 B2 / C1 + C2 के तुल्य होता है। इस B की वैल्यू को यहाँ पर रख दिया, ये हो गया आपका C1 B1 + C2 B2 2 / C1 + C2 2। ये हो गया ऊर्जा ह्रास का मान।
इसको हमें सॉल्व करना है। यहां पर इससे इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसका इसका एलसीएम ले लिया, ये हो गया डेल्टा यू इक्वल टू हाफ, इसका एलसीएम हो गया सी वन प्लस सी टू, तो ये सी वन प्लस सी टू इसका एलसीएम हो गया। इससे इसको मल्टीप्लाई किया, ये हो गया सी वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर प्लस सी वन सी टू बी वन स्क्वायर, इससे इसको मल्टीप्लाई किया सी वन सी टू बी टू स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया सी टू स्क्वायर बी टू स्क्वायर माइनस, इसका यहाँ पर स्क्वायर कर दिया तो ये हो गया सी वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर माइनस सी टू स्क्वायर बी टू स्क्वायर माइनस टू सी वन सी टू बी वन बी टू। इसको सॉल्व किया, यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इस सब में सी वन सी टू को कॉमन कर लिया, ये हो गया डेल्टा यू इक्वल टू हाफ, सी वन सी टू कॉमन हो गया, तो यहाँ पर फॉर्मूला बचा बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर माइनस टू बी वन बी टू, ये हो गया बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर माइनस टू बी वन बी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू। ये b1 माइनस b2 का होल स्क्वायर है, इसकी वैल्यू हो गई हाफ c1 c2 b1 माइनस b2 का होल स्क्वायर अपॉन c1 प्लस c2। इस फॉर्मूले का उपयोग करके इन दोनों चारकों को सहयोगी तार के द्वारा जोड़ने पर आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास के मान को ज्ञात कर सकते हैं, और इस ऊर्जा ह्रास का मान हाफ c1 c2 b1 माइनस b2 का होल स्क्वायर अपॉन c1 प्लस के तुल होगी। इस ऊर्जा ह्रास के मान को यहाँ धारिता के पदों में निकाला गया, इसको हम इन गोलों की त्रिज्या के पदों में भी निकाल सकते हैं, तो इसके लिए C1 का मान 4 पाई एप्सिलॉन 0 r1, C2 की वैल्यू का मान 4 पाई एप्सिलॉन 0 r2 रखकर इस ऊर्जा ह्रास के मान को त्रिज्या के पदों में भी ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार से आज की कक्षा ये यहाँ पर आपकी समाप्त होती है, इसके आगे बच्चों अगली कक्षा में आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।